नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ MI के Mi 10 i के बारे में। जी दोस्तों, जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, और मैं आपको इसी फ़ोन के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपको इस फ़ोन में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, आपको ये फ़ोन कहना चाहिए या फिर नहीं कहना चाहिए, और इसकी प्राइस दोस्तों क्या है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस फ़ोन के बारे में पूरा डिटेल में बताऊँगा, जिससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल सके कि आपको रेडमी के इस फ़ोन को कहना चाहिए या फिर आपको किसी और के फ़ोन की तरफ जाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो यूट्यूब पर डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको इसी फ़ोन के बारे में पूरी डिटेल में बताता हूँ। दोस्तों, वैसे तो रेडमी सबसे काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन आ चुके हैं, जैसे कि दोस्तों रेडमी नोट 9 प्रो है, रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स है, और दोस्तों रेडमी काफ़ी फ़ोन है, बट दोस्तों मी सीरीज जो है वो दोस्तों काफ़ी पॉपुलर रही है। दोस्तों, इस फ़ोन की सबसे पहले प्राइस की बात करते हैं। दोस्तों, Mi 10 i जो है इंडिया में 6GB 128GB वाला वेरियंट आपको 22,000 रुपये देखने को मिल जाएगा अमेजन के ऊपर। वहीं दोस्तों, अगर आप इसका 8GB वाला वेरियंट खरीदते हो तो आपको ये 24,000 रुपये देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊँगा कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी हम बात करते हैं इस फ़ोन के फीचर की, जिससे आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि आपके लिए फ़ोन कितना परफेक्ट रहेगा या फिर आपको किसी और फ़ोन की तरफ देखना चाहिए। तो दोस्तों, इस पॉइंट डिस्प्ले की बात की जाए तो इसमें हमें 6.67 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले मिलती है, जो दोस्तों एक पंच होल कैमरे के साथ आती है, जैसा दोस्तों आपको रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स का कैमरा मिला था पंच होल वाला डिस्प्ले के अंदर, सेम कैमरा दोस्तों आपको इस फोन में देखने को मिलेगा। बट दोस्तों, इसका जो पिक्सल है वो दोस्तों 108 मेगापिक्सल का होने वाला है। तो दोस्तों, कैमरे के मामले में ये फ़ोन रेडमी के नोट 9 प्रो मैक्स से भी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि दोस्तों उसमें हमें 64 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है और इसमें हमें दोस्तों 108 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है। बट दोस्तों, कैमरे की जो डिज़ाइन है वो सेम है। वहीं दोस्तों, इस फ़ोन की फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो इसमें हमें 16 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलता है, और दोस्तों रेडमी के नोट 9 प्रो मैक्स में हमें 32 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिला था। तो दोस्तों, सेल्फी कैमरा रेडमी के नोट 9 प्रो मैक्स का बढ़िया है, और इसका जो रियर कैमरा है वो इसका बढ़िया है Mi 10 i का। अब दोस्तों, इसकी डिस्प्ले की बात की जाए तो इसमें हमें फुल HD डिस्प्ले मिलती है, जो कि दोस्तों एक IP डिस्प्ले है, और दोस्तों की बैटरी की बात करें तो इसमें हमें 4800 mAh की बैटरी मिलती है। तो दोस्तों, बैटरी भी काफ़ी बड़ी है, कैमरा दोस्तों काफ़ी अच्छा है, और दोस्तों इसके साथ हमें 33W का फास्ट चार्जर मिलता है, जो कि दोस्तों हमें रेडमी और फोन में देखने को मिला है। अब दोस्तों बात करते हैं मेन हाईलाइट की, जो दोस्तों इसका प्रोसेसर है। दोस्तों, इसमें हमें स्नैपड्रैगन का 750GB मिलता है, जो दोस्तों एक 5G प्रोसेसर है। बट दोस्तों, अभी इंडिया में 5G नेटवर्क नहीं आए हैं, तो 5G नेटवर्क का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम सिर्फ 4G ही यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इस फोन में हमें फ्रंट और बैक दोनों तरफ गोरे अलग अलग 5G प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। दोस्तों, प्रोटेक्शन के मामले में फ़ोन काफ़ी अच्छा है। अब दोस्तों, बात की जाती है कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपका बजट 20 से 25,000 रुपये है और आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें दोस्तों काफ़ी अच्छा कैमरा दिया गया हो, काफ़ी अच्छी दोस्तों बॉडी दी गई हो, देखने दोस्तों काफ़ी फोन अच्छा लगता हो और बड़ी डिस्प्ले हो, तो दोस्तों आप इस फ़ोन को ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसका जो डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है और इसमें आपको प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। वहीं दोस्तों, अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसकी डिस्प्ले बड़ी हो और आप 4G नेटवर्क कम चला सकते हो, आपको 5G नेटवर्क वाला फ़ोन नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों 5G नेटवर्क नहीं है, तो दोस्तों आप इस फ़ोन को छोड़कर रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स ले सकते हो। तो दोस्तों, सेम इसी डिस्प्ले के साथ आता है, सेम दोस्तों साइज़ जो है सेम आपको सेम मिल जाएगा, एकदम सेम। बट दोस्तों, उसकी जो प्राइस है वो है 18,000 रुपये, यानी दोस्तों आपको 3,000 रुपये कम में रेडमी का ही फ़ोन मिल जाएगा, सेम डिस्प्ले सेम साइज़ वाला, और आपको 3,000 रुपये सेव हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिससे आप आगे चल कर 5G नेटवर्क का यूज़ कर 5G नेटवर्क के साथ यूज़ कर सको, तो आपको ये फ़ोन आसानी से मिल जाएगा अमेजन के ऊपर, आप इसे बिना टेंशन कह सकते हो 21 या 22,000 रुपये के अंदर। क्योंकि दोस्तों, अब ये फ़ोन नया लॉन्च हुआ है, तो इसके ऊपर भी दोस्तों आपको कोई भी डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ टाइम वेट करोगे तो शायद कोई डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाए किसी सेल के अंदर, बट दोस्तों अभी ये आपको 22,000 रुपये देखने को मिलेगा 6GB 128GB वाले वेरियंट। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा आइडिया मिल चुका होगा कि आपको रेडमी का Mi 10 i कहना चाहिए या फिर नहीं कहना चाहिए, या फिर आपको किसी और फोन की तरफ जाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।